और एक आलिम ने तो वो कराची का जो एक मौलाना है वो जो बोल टीवी पे भी आता है, उसने कहा कि अगर कोई अहले हदीस होकर रफली दहन करे तो ठीक है, हाँ इंजीनियर साहब का स्टूडेंट करे तो नहीं ठीक। हाँ, और ये वो लोग हैं जिनको देवबंदी बरेलवी कहते थे कि शाफी होकर रफली दहन कर लो, ठीक है तो ठीक, अगर तुम गैर मुकल्लिद होकर करोगे तो नहीं ठीक, तो ये चिढ़ते थे। अब ये उन्होंने कहा अच्छा ये अच्छी गाली है, ये इंजीनियर साहब के स्टूडेंट को हम भी देते हैं क्योंकि ये बड़ी कारगर हुई है, वही है ना। उन्होंने कहा हाँ जी इंजीनियर का स्टूडेंट होकर रफली दहन करें तो गलत, अहले हदीस होकर करें तो ठीक, तो इसका मतलब देवबंदी बरेलवी फिर तुम्हारे साथ ठीक करते थे। हालांकि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स तो कभी कहते नहीं कि हम इंजीनियर का स्टूडेंट होकर कर रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं हम बुखारी मुस्लिम को पढ़ के बनू उमैया को भी कंडेम कर रहे हैं और बुखारी मुस्लिम को पढ़ के रफली दहन भी कर रहे हैं। तो ये तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये एक टिकट में कितने मजे करते हैं, मैंने आपको एजुकेट कर दिया, आपकी दाढ़ियां भी सफेद हो जाती ना, आपके माँ बाप की तो हुई, उनको ये चलाकी नहीं बोली पता चली, मैंने आपको एक एक इनकी बारीकियां बता दी कि किधर किधर ये लोग डंडी मार रहे होते हैं। एक बहुत बड़े पाकिस्तान लेवल के आलिम ने नाम लिए बगैर आपको पता चल जाएगा किसकी बात कर रहा हूँ, कई लेक्चर्स में उन्होंने कहा सब मेरे नबी के तरीके हैं, अल्लाह ने मेरे नबी की सुन्नतों को जारी कर दिया, रफली दहन करो या ना करो। लेकिन सरकार को रफली दहन उनका शकीर शुरू कर ले तो छुड़वाते हैं उसे। उनके एक स्टूडेंट जो प्रोफेसर थे फैसलाबाद में, जो कहते हैं मैं बरेलवी से जो बंदी उनकी वजह से हुआ और उनकी वजह से मैं तबलीगी जमात में गया, फिर मैंने तहकीक की तो मैंने सुन्नत के मुताबिक जब रफली दहन शुरू किया तो मस्जिद नबवी में मैं उनके साथ खड़ा हुआ, तो मेरे लिए इम्तिहान था कि जिस बंदे की वजह से मुझे हिदायत मिली है आज मेरे साथ है, मैं उससे रफली दहन करूँ या ना करूँ। हालांकि उसे बेफिक्र होकर करना चाहिए था कि इसने तो लेक्चर्स में कई दफा कहा कि सब मेरे नबी के तरीके हैं। तो चलो मस्जिद नबी में खड़े होके तीन इमाम रफली दहन के कायल हैं, बल्कि तीन ना कहा करें सारे इमाम सिवाय इमाम हुनीफा, ये सारे हदीसों के इमाम, डॉक्टर अल कादरी ने खुद माना है कि इमाम तिरमिजी रफली दहन करते थे, अबू दाऊद करते थे, इमाम शाफी करते थे। वो कह रहे मैं डर रहा था कश्मकश में था, फिर मैंने कहा देखी जाएगी, रफली दहन से नमाज पढ़ी सलाम फेरते ही उसने कहा प्रोफेसर साहब ये क्या, अगर सरकार आपने खुद ही कहा था सब मेरे नबी के तरीके, तो मैं कहा भाई मैंने बताया था लेकिन अमल करने के लिए तो नहीं बताया था ना, अनफीन हो, और तुम्हें तो मैंने वो किताब दी थी हदीस और अहले हदीस खुर्शीद अहमद खुर्शीद की इंतहाई कूस में भरी हुई अहले हदीस के खिलाफ किताब है, आप अंदाजा कर ले घोड़ों के दुमों वाली हदीस उसने लगाई हुई है, इससे उसका इल्मी लेवल का अंदाजा कर ले उस किताब के। तो उन्होंने कहा मौला मैंने वो किताब तो पढ़ी थी लेकिन उसमें तो ये घोड़ों की दुमों वाली हदीस मैंने जब मुस्लिम से पढ़ी तो रफली दहन के बारे में नहीं थी। कहते चलो कोई और हदीस पढ़ लेनी थी और रफली दहन छोड़ देना था, अंदाजा करो छोड़, तो पब्लिक में क्या है सब मेरे नबी के तरीके हैं, अपनी पब्लिक के लिए क्या है। मैं कह रहा हूं दुनिया की इससे बड़ी बिदत क्या होगी कि रायविंड में माजल के साथ बात में इतने से फासले पे बैरून की मस्जिद है अंदरून की मस्जिद है, क्या साहबा इकराम अली रिदवान ने मस्जिद नबी दो बनाई हुई थी कि बैरून के मुसलमान इधर नमाज पढ़ेंगे अंदरून के इधर पढ़ेंगे, सिर्फ इस वजह से कि बैरून के मुसलमान रफली दहन करते हैं अरब के जो तबलीगी जमात के लोग हैं और आमीन ऊंची कहते हैं, यहाँ के अनफी जो है वो रफली दहन नहीं करते, कहीं वो मदनी जरासीम इनको ना लग जाए। कैसी होशियारी की हजरात के दिमाग में, कैसी चाल आई है, और कोई दूर नहीं मस्जिद आमने सामने मस्जिद है, आप अगर पाकिस्तानी हैं इधर नमाज पढ़े बाहर के तो इधर पढ़े ताकि आपको पता ही ना चले घुस रहे हैं, हाँ दादा करें कहीं से पता ना चले, आमीन ऊंची कहने पे कहेंगे मंसूख हो चुके हैं, और जब तबलीगी जमात उस मस्जिद में आ गया अनफियों की ठहरेगी रफली दहन करेगी, सूडान के लोग अफ्रीका के लोग यमन के लोग फलस्तीन के लोग, जिस तरह हमारे एक भाई ने लाइफ स्टोरी में कहा था कि यार वो जो मुझे तुम बता रहे थे ये अपनी जमात को भी बताओ ना मंसूख हो गया, वो तो उधर से आए हैं उनको बेचारों को अभी तक नहीं पता चला मंसूख हो गया, अल्लाह का शुक्र हमें पाकिस्तान में पता चल गया मंसूख हो गया, अरबियों को बेचारों को अभी तक नहीं पता चला जहां से दीन निकला था मंसूख है। नहीं 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 ठीक है, भी ठीक एक टिकट में कितने कितने मजे कर रहे हैं। अब ये सारी बातें आप लोग एंड पे कहीं आप तनकीद कर रहे हैं, मुझे बताएं इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो इस जहां से हट गया, ये फिजिकल जहां के मसले हैं, ये ख्वाबों का जहां नहीं है, ये फिजिकल जहां है। अब मैं आपसे एक मासूमाना सवाल करता हूं,
आपके बुजुर्गाने दीन ने इस्लाम के लिए यह खिदमत की थी कि मस्जिदें दो बनवा दी, फिरके देवबंद बरेलवी अलहदा कर दिए, अलहदा कर ली, टेक्स्ट बुक्स अलहदा कर ली, ये फतवे दिए, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती, और एक लाख दफा भी अल्लाह का नाम ले ज़बीहा है मुर्दार ही रहेगा, एक खिदमत की थी है। और जबकि हम हर चीज पॉजिटिव बयान कर रहे हैं तो इसका मतलब है सबसे पॉजिटिव हम ही है, प्रैक्टिकली साबित है। जाए गोरे की दालत में मुकदमा ले जाए, मौलवियों की दालत में नहीं सरकार, मौलवी तो कुछ भी लाल कर, वो नहीं ऐसी मर्द है। इसलिए हमने कहा ना कि आप वो कहते हैं ना उलमाए हक भी तो होते हैं, हमने कहा बिल्कुल होते होंगे, लिस्ट दे हमें, ऐ कोड़ा है मुदान, ले आओ लिस्ट, देवबंदी मुझे लिस्ट दे के ये उलमाए हक है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने बरेलियों को पकड़ा देनी है कि ये उलमाए हक है, एनी नी मोटी गाला कटन को, फिर मैं देवबंदियों को यार आपने तो लिस्ट ही गलत दी है, वो तो ये कह रहे हैं। हाँ, उलमाए हक वो होंगे जिनको पूरी दुनिया के मुसलमान उलमाए हक माने, सरकार हमारे उलमाए हक वही है, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। हाँ, है किसी की जुरत हनफी हो गए भी, बुखारी का दुश्मन हो गए बताए, अगले दिन वो मिंबर पे जुमा नहीं पढ़ा सकता, ये है ताकत सच्चाई की। नमाज बुखारी के मुताबिक नहीं पढ़ रहा, कीदे बुखारी के मुताबिक नहीं, लेकिन जुरत नहीं है कि बुखारी के खिलाफ एक जुमला बोल जाए, जादू वो जो सर चढ़ के बोले। तो सरकार आओ हिम्मत करो, आओ हिम्मत करो, टाइम क्या मत तक।